हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 11 इंग्लिश का चैप्टर नंबर 4, इसकी वर्ड मीनिंग और शॉर्ट और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर और देखते हैं। सबसे पहले मीनिंग हमारी लैंडस्केप, इसका मतलब होता है द पोर्शन ऑफ लैंड विच वन कैन व्यू एट अ सिंगल ग्लेंस, यानी भूदृश्य बोलते हैं, ठीक है। हिडन मीन्स कीप्ड बिहाइंड अ कर्टेन, यानी छिपा कर रखा। एंट्रेस्ट यानी डोरवे यानी प्रवेश द्वार। उसके बाद स्पेंडेड, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं ग्रैंड यानी शानदार। कॉन्वे जैसे बोलते हैं, कॉम्युनिनेट एक्सप्रेस यानी संप्रेषित किया। उसके बाद अटर जैसे बोलते हैं स्पीक या फिर बोलना। बैनिश्ड डिसअपीयर्ड यानी गायब हो गया। कॉन्फ्यूज अ चाइनीज फिलोसफर यानी एक चीनी धर्म गुरु था। एंडवर्ट यानी एक शॉर्ट इवेंट ऑफ स्टोरी, लघु कथा छोटी कथा, ठीक है। रिवीलिंग जैसे बोलते हैं डिस्क्लोजिंग एक्सपेंस यानी व्यक्त करने वाली। कॉन्सेप्ट आइडिया, ठीक है, कॉन्सेप्ट या फिर आइडिया यानी अवधारणा। मॉइस्ट यानी वेट यानी गीला हो गया। इनिशियल नेसेसरी प्राइमरी यानी आधारभूत। उसके बाद है हमारा वाइट इम्पटी यानी स्पेस या शून्य, ठीक है। ऑसमांड वेट डाउन यानी दबाया गया। उसके बाद लॉफ्टी या फिर बोलते हैं हाई, ठीक है। नोटेशन आइडिया विचार। ड्रैगन नाम ड्रैगन क्या बोलते हैं, ए मस्कली इमेजिंग रिप्लाइड विद विंग, पंख वाला नाग। मैंने बताया था आपको स्टोरी में कि ड्रैगन को पहले कहते हैं पंख वाला नाग बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। उसके बाद आ जाइए शॉर्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ लैंडस्केप पेंट बाई वुड डिड द एम्परर एडमायर एंड हाउ लॉन्ग, ठीक है। जो हमारा बूढ़ा उजी ने चित्र बनाया था, ठीक है, उसे इब्राहिम देख के क्या बोला, कैसे उसे फील किया, ठीक है, उसमें या फिर क्या बना था। द एम्परर वॉच द पेंटिंग फॉर अ लॉन्ग वाइल, ही एडमायर द वंडरफुल सीन्स, उसमें बहुत अच्छे सीन्स थे, वाइट वॉज द्वारा बनाए गए थे, ठीक है। ही डिस्कवर्ड फॉरेस्ट, उसे फॉरेस्ट द्वारा डिस्कवर्ड था, फॉरेस्ट जंगल, हाई माउंटेन, वाटरफॉल, क्लाउड फ्लोटिंग इन वेस्ट स्काई, मैन ऑन हिली पाथ, ऑन वर्ड इन फ्लाइट, ठीक है। उसके बाद दूसरा, व्हाट डिड पेंटर वुड ऑफ द टेल एम्परर अबाउट द केव, ठीक है। कहते जो पेंटर था उसने सम्राट को केव के बारे में क्या बताया, ठीक है। द पेंटर टोल्ड एम्परर बैट अ स्प्रिट लिव इन द केव, ठीक है, के जो केव के अंदर यानी गुफा के अंदर एक आत्मा रहती है, विच वाज एट फुट ऑफ द माउंटेन, एज क्लैप्ड हिज हैंड द एंट्रेंस टू केव ओपन, द ही टोल्ड एम्परर डेट इन साइड द केव वाज स्पेंडेड एंड ऑफर टू शो हिज मिस्ट्री टू वे, ठीक है। तो जो केप थी उसे मतलब ताली बजाने पर वो खुल गई। एम्परर से उसने कहा कि आइए इसके अंदर चलते हैं और इसकी इसमें शानदार देखेंगे क्या है और इसका क्या मिस्ट्री है, ठीक है। व्हाट हैपेंड टू द पेंटर एज ही एंटर्ड द केप, ठीक है। जब कहते जो पेंटर था वो केप में जब एंटर हुआ तब क्या हुआ, एज द पेंटर एंटर द केप द एंट्रेंस टू द क्लोज केप क्लोज्ड बिहाइंड हिम, ठीक है। जैसे ही वो अंदर हुआ वो एकदम क्या हो गया, जो केप थी गुफा थी वो एकदम बंद हो गई, ठीक है। द एम्परर वाज सरप्राइज्ड, जो है वहाँ सम्राट था वो क्या हुआ, आश्चर्यचकित हुआ। बिफोर ही कुड मूव और स्पीक ए वर्ड, ठीक है, वो बिना कुछ बोले उन्हें ए वर्ड, द पेंटिंग हैड डिसअपीयर्ड फ्रॉम द वॉल, देयर वाज नॉट इवन अ ब्रश मार्क लेफ्ट देयर, द आर्टिस्ट वुड ऑब्वियसली वाज नेवर सीन अगेन इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो जो पेंटिंग थी वो क्या हुई, डिसअपीयर्ड हो गई, मतलब गायब हो गई एकदम, ठीक है। और जो ब्रश व्रश था सब वहाँ से हट गया, जो वहाँ जिसने इसे बनाया था आर्टिस्ट वो दुनिया में दोबारा दिखाई नहीं दिया। वाई डू यू थिंक चाइना क्लासिकल एजुकेशन इंक्लूड स्टोरी हैविंग डीप स्पेक्टिकल एक्सप्लेनेशन, ठीक है। चलिए मैं फटाफट आपको करा देता हूँ, क्या तो क्वेश्चन आंसर आप लोग देख लीजिए अपने आप, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा मैं अगर हिंदी बताऊँगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, ठीक है। वाई डू यू थिंक स्टोरी हैविंग डीप स्पेक्टिकल सिग्निफाइज हेल्प द मास्टर ऑफ गाइड एक्सप्लेन इन द राइट डायरेक्शन द बुक ऑफ ग्रेट मैन लाइक कॉन्फ्यूज एंड जगबुरी आर फुल ऑफ दैम, दिस स्टोरी नेदर टेल्स वाट ट्रिबल द स्पिरिट इन विच आर्ट वॉज कंसिडर एट दैट टाइम, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, वाट डिड द पेंटर नॉट ड्रा टाइस ड्रैगन ही हैड पेंटेड, हाउ आर यू एग्री विद हिम, द पेंटर फियर इफ ही ड्रा द आइज द ड्रैगन ही हैड पेंटेड द पिक्चर वुड कम्प्लीट एंड ड्रैगन माइट कम अलाइव एंड दैट देन इट लाइट fly out of the painting since the vision of spectre we agree with him, ठीक है। पेंटर ने जो ड्रैगन बनाया था उसकी आँख क्यों नहीं बनाई, इसलिए नहीं बनाई क्योंकि उसे लगा कि अगर मैंने इसकी आँख बनाई तो एक उड़ जाएगा, ठीक है। लेट मी शो द वे
दैट वुड ऑल्सो एक्सप्लेन हाउ द ऑथर इंटरप्रीट एंड वुड से, ठीक है, ये मतलब कौन से वर्ड थे। द वर्ड वे अकॉर्डिंग टू द ऑथर टू मीनिंग पाथ द मेथड एंड मिस्ट्री वर्क ऑफ यूनिवर्स। द पेंटर टेल्ड द किंग द पाथ ऑफ पार्ट टू द कव ऑफ मेथड टू रीच द केव बाई एंटरिंग द केव एंड डिसअपीयर फ्रॉम द वर्ल्ड ही एक्सप्लेन द मिस्ट्री वर्क ऑफ द यूनिवर्स। देखिए क्वेश्चन शॉर्ट का हो चाहे लॉन्ग का हो, वो डॉसी से ही बनता है, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद लॉन्ग पे आ जाइए। लॉन्ग पे जो इसका दूसरा क्वेश्चन है वो बहुत बड़ा है, ठीक है, फिर भी आपको जब अगर आपको इसका शॉर्ट फॉर्म चाहिए हो तो मुझे बता दीजिएगा, पीडीएफ में आपको लोग को प्रोवाइड कर दूंगा इसकी, ठीक है। हाउ डज द चाइनीज व्यू आर्ट डिफर फ्रॉम द यूरोपियन व्यू, इल्लस्ट्रेट योर आंसर विद एग्जाम्पल। ए वेस्टर्न फिगरेटिव पेंटिंग इन मीन टू रिप्रोड्यूस एन एक्चुअल व्यू ऑफ द सीन वियर आज ए क्लासिकल चाइनीज लैंडस्केप इन बेस्ड ऑन इमेजिनेटिव इनर और स्पेक्ट्रो अप्रोच द चाइनीज आर्ट एम एट अचीविंग द इंश्योर ऑफ इनर लाइफ एंड स्पिरिट वाइल द यूरोपियन फॉर्म ऑफ आर्ट टू ट्राइंग टू अचीव अ परफेक्ट इनुलेशन लाइकनेस द यूरोपियन पेंटर पांट द व्यूअर टू ग्रो इज आई दैन लुक पार्टिकल लैंडस्केप एक्चुअली एज ही शा इट फ्रॉम स्पेसिफिक एंगल। ऑन द अदर हैंड द चाइनीज पेंटर डज नॉट चूज अ सिंगल व्यू पॉइंट, ठीक है। कुछ लॉन्ग में देखिए आपसे बोला जाता है 180 या 80 जो मतलब आपसे शब्द बोले जाएँ, तो इतना बहुत है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन मैंने पहले ही बोला थोड़ा बड़ा है। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ शांसुई एंड फंडामेंटल नेशन ऑफ डाओसिम, ठीक है। शांसुई इज चाइनीज वर्ड, इट लिटरली मीन्स माउंटेन वाटर, ठीक है। शांसुई कौन था, चाइनीज वर्ड था, उसका मतलब क्या था, माउंटेन एंड माउंटेन वाटर यानी पहाड़ पर्वत और जल। द टू एलिमेंट यूज टुगेदर रिप्रेजेंट अवर लैंडस्केप, ठीक है, इन दोनों वर्ड को यूज करके लैंडस्केप बनाया। माउंटेन वाटर आर टू एलिमेंट ऑफ एंगल, दे आल्सो रिफ्लेक्ट द डोनिस्ट ऑफ व्यू यूनिवर्स, ठीक है, ठीक है। सो अगर आपसे सिर्फ शांशुई का चाइनीज मीन पूछे तो आप इसे यहीं तक कर सकते हैं, इतना ही बहुत है, ठीक है। उसके बाद द माउंटेन इन यंग बियरास वाटर इन यून द माउंटेन राइज पर्टिकली टूवर्ड हिवन माउंटेन स्टेबल वार्म एंड ड्राई इन सन वाटर इज हॉरिजेंटल एंड रेस्ट ऑन द अर्थ वाटर इज फ्लूड मोस्ट एंड कूल इन द रिप्रेजेंटिव फीमेल एक्सेप्ट और यूनिवर्स एनर्जी यंग इट इज कंपल्सरी यंग इज एक्टिव मस्कुलिन द इंट्रेक्टेड ऑफ यीन एंड यांग इज फंडामेंटल नेशन ऑफ डायसिम देयर इज एनिशियल थर्ड एम एलिमेंट आल्सो इट इज द मिडल वॉइड वेयर द इंट्रेक्शन टेक प्लेस, ठीक है। उसके बाद इसमें दो ही क्वेश्चन है, देखिए आपके शॉर्ट में मैंने दो ही कर लॉन्ग में सॉरी दो ही कराए हैं, ये दो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए हो तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज या कमेंट सेक्शन बोल दीजिएगा, इसकी पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।